ठीक है बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, बेसिकली कल हमने जहाँ पे एंड किया था, आज की क्लास वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अब आप सामने आपके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी के सभी। टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज़। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी। टेल मी फास्ट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बेटा, आप इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से जल्दी प्लीज फास्ट। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी फास्ट ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी फास्ट, बड़ा गौर से सुनना। अब आप पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज़ फास्ट देखेंगे। यहाँ देखिए बेटा, कल बेसिकली मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराने के एक तरीका बताया था, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। चीज़ों को समझना प्लीज़ सबके सब। यहाँ पे देखिए बेटा, प्लीज़ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी होती है। कितने परसेंट की कमी होती है बेटा? 15% की। तो बेटा कीमत की बात हो रही है, तो अरुण 272 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो खपत की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि प्रति किलो चीनी की घटी हुई कीमत क्या होगी। तो बेटा एक बात बताइए, ये कीमत हो गया मूल्य, सॉरी मूल्य, और ये खर्चा हो गया और ये खपत हो गया। तो बेटा आपको कल मैंने एक बताता है, तो पहले मेथड वन बता रहा हूँ, वो मेथड वन देखना बेटा सभी के सभी। मेथड वन बता रहा हूँ बेटा, ये बात देखना मेथड वन प्लीज़। देखिए भाई, आप बताइए बेटा, खर्चा जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे खर्चा जो होता है वो मूल्य इनटू खपत के बराबर होता है। बोलो क्लियर हुआ? तो आप ये सब जानते ही हो। अब मैं क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर खर्च जो है, यदि चीनी की कीमत में 15% की कमी होती है, तो मूल्य जो है वो 15% घट रहा है। तो एक व्यक्ति कितने रुपये में बेटा, 272 रुपये का खर्चा है उसके पास, 272 रुपये में कितने किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है बेटा? 6 किलो। बोलो समझ आया? तो बेटा आप गौर से सुनना, अगर आपका मूल्य घट रहा है और खपत बढ़ रही है, इसका मतलब क्या मैं मान सकता हूँ कि खर्चा कांस्टेंट होगा? क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है और खपत बढ़ रही है। तो अगर दो पैरामीटर में, अगर दो संख्याओं गुणा कर मैं देखूँ, एक घटे और एक बढ़े, तो उनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट मान सकता हूँ? तो बेटा आप बताइए, अगर ये कांस्टेंट है तो 15% का रेशियो कितना होता है बेटा? बताइए, 5% होता है 1/20, और 5 का 3 गुना होता है 15, तो ये रेशियो बन जाएगा माइनस का 3/20। इसका मतलब ये है कि मूल्य जो घटेगा वो 15% घटेगा, तो मतलब माइनस 3/20 के रेशियो में घटेगा। और अगर खर्चा कांस्टेंट करना है तो खपत को बढ़ना पड़ेगा। तो कमी के रेशियो को अगर वृद्धि का रेशियो बनाना हो, तो हमें अच्छे से आता है कि जितना कम किया है उतना ही बढ़ा दो। तो अगर कम 3 हुआ है तो 3 ही बढ़ाना पड़ेगा। और कितने में बढ़ाना पड़ेगा बेटा आप बताइए? तो अब बोलो 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है? 20 पे 3 घट के 17। इसका मतलब मूल्य के घटने का रेशियो अगर 3/20 है, तो खपत के बढ़ने का रेशियो कितना होगा बेटा? 3/17। तो बेटा आप बताओ, 3 बढ़ रहा है खपत या 6 किलो बढ़ रहा है? 6 किलो। तो बताओ कितने गुना पर बात बैठी है बेटा? 2 गुना। तो बेटा बताओ, 17 इनिशियल अगर खपत निकाले तो वो हमारे अकॉर्डिंग तो 17 है, लेकिन उसे 2 गुना करेंगे तो 17 × 2 = 34। इसका मतलब पहले वो जो खपत कर रहा है, पहले जो क्वांटिटी वो खरीद रहा है, वो कितने किलो खरीद रहा है बेटा? 34 किलो। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन आज वो कितना खरीद रहा है, क्योंकि हमसे तो घटी हुई कीमत पूछी है, तो पहले घटी हुई क्वांटिटी निकालो। तो घटी हुई क्वांटिटी जो है बेटा वो कितनी बनेगी? तो फाइनली वो कितना खरीद रहा होगा बेटा, आप खुद बताइए। तो फाइनली वो खरीद रहा होगा
कितनी क्वांटिटी खरीद रहा होगा, तो इनिशियली वो 34 किलो तो खरीद ही रहा है, लेकिन फाइनली कितने किलो बढ़ रही है बेटा 6, तो इसका मतलब फाइनली वो कितने किलो खरीद रहा है बेटा 40 किलो, और 40 किलो कितने रुपए में खरीद रहा है बेटा 272। अगर 40 किलो 272 का आ रहा है तो कीमत कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे 40 किलो अगर 272 का है तो फाइनल जो प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, तो 40 किलो 272 का, तो 1 किलो कितने का हो गया बेटा 272/40। बोलो क्लियर है बेटा। 4 से अगर मैं काटूँ तो ये 10 बार कटेगा, और 4 से काटूँ तो 4 छः 24 और 4 अट्ठा 32, और 68 में अगर 10 से भाग करूँ तो आंसर आएगा 6.8 रुपीज़ पर केजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा आप बताइए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा, सी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बोला गौर से सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए बेटा, कि अगर मूल्य 15% घटा तो 15% घटने का मतलब 3/20 घटा, अगर मूल्य 3/20 घटा तो खपत कितने रेशियो में बढ़ेगी, तो आप बोलेंगे 3/17 में बढ़ेगी। इसका मतलब पहले खपत थी 17 की और सब खपत में वृद्धि हुई 3 की, लेकिन क्वेश्चन में 3 की वृद्धि नहीं, क्वेश्चन में है 6 की वृद्धि, तो उसे 2 गुना करना पड़ेगा, तो 17 × 34, इसका मतलब वो कितना खरीद रहा था पहले 34 किलो, लेकिन खपत बढ़ रही है फाइनली 6 किलो, तो 34 और 6 कितना हो गया 40 किलो, इसका मतलब फाइनली वो 40 किलो खरीद रहा है कितने रुपये में बेटा 272। तो 40 किलो अगर 272 का आ रहा है तो 1 किलो कितने का आएगा बेटा आपका 6.8 रुपीज़ पर केजी। तो आंसर इज ओवर, यही आपका आंसर हो गया सी। चलिए भाई अब इसी क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ बेटा, मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ, अब गौर से सुनना। हेलो बेटा, आप सेकंड तरीका समझना गौर से बेटा। आप बताइए खर्चा, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ समझते रहना, खर्च बराबर क्या है बेटा बताइए, खर्च बराबर होगा मूल्य इंटू खपत। बोलो यही होगा क्या, खर्च बराबर क्या होगा मूल्य इंटू खपत। बोलो क्लियर हुआ। तो बेटा अब आप बताइए जल्दी फास्ट, अगर खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत है और मूल्य अगर 15% घट रहा है तो एक व्यक्ति 272 रुपये में, 272 रुपये में कितने किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है बेटा 6 किलो। तब वो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि फाइनल मूल्य क्या होगा, फाइनल मूल्य क्या होगा। तो पहले मैंने इस मूल्य का इफेक्ट किस पे डाला था बेटा, खपत पर, और खपत पर उल्टा इफेक्ट जा रहा था, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन और खर्चे को मैंने कॉन्स्टेंट किया था, लेकिन अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं खपत को कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ। अगर खपत को कांस्टेंट कर रहा हूँ तो मैं मूल्य का इफेक्ट किस पे डाल लूँगा फिर मैं, खर्च पर। तो बेटा एक बात सुनना, मूल्य और खर्च के बीच में कैसा साइन है बेटा, बराबर। तो अगर बराबर है इसका मतलब यह है कि मूल्य अगर घटेगा तो खर्चा भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब अगर मूल्य 15% घटेगा तो खर्चा भी कितना कम करना पड़ेगा, 15%। बोलो क्लियर हुआ। तो आप बताइए कि अगर बेटा एक बात गौर से सुन लेना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना, अगर मान लीजिए मैं गया दुकान पे और दुकान पे जाके मेरे पॉकेट में 272 पड़े थे, अब दूसरा तरीका समझा रहा हूँ समझना, मैं दुकान पे गया और दुकान पे जाके मैंने पूछा कि भाई मूल्य मुझे चीनी खरीदनी है, मेरे पॉकेट में 272 पड़े हैं, तो मैंने कहा दुकानदार से कि भैया मैं आज उतनी चीनी खरीद के ले जाऊँगा, खपत को कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ, मैं आज उतनी चीनी खरीद के ले जाऊँगा जो पहले खरीद कर। पर दुकानदार ने कहा मेरी बात सुनो, तो दुकानदार ने मेरे से कहा कि भैया आज मूल्य 15% घट गया है, कितने परसेंट घट गया है 15%। अगर मूल्य 15% घट गया है इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर मूल्य 15% घट गया तो आज जो मेरे पॉकेट में 272 पड़े हैं उस पर 15% कम खर्चा करना पड़ेगा मुझे। अरे क्लियर है, इसका मतलब अगर मूल्य 15% घटा तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज मेरे पास पैसा बचेगा या बढ़ जाएगा पैसा, मेरे पास पैसा बचेगा या कम पड़ जाएगा, बचेगा। कितना परसेंट बचेगा, तो 15% ही पैसा कम खर्च करना पड़ेगा मुझे। किसका 15% कम खर्च करना पड़ेगा, 272 का। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो इतनी बात क्लियर है क्या। तो अब आप बताइए जो ये पैसा मुझे कम खर्च करना पड़ रहा है, अगर मैं इस पैसे को भी यूज़ करूँ, अगर मेरे पापा ने मुझसे ये कह दिया था कि भैया जो कम पैसा बचे उसकी भी चीनी लेके आई हो, तो जितना पैसा बचा वो कितना बचा बेटा बताओ, 15% 272 का इतना पैसा बचा, और जो पैसा बचा उसमें मैं कितना और अधिक खरीद पाऊंगा 6 किलो। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 6 किलो है, जो 6 किलो है फाइनली वो कितने रुपए में आ सकता है, तो वो आ सकता है 672 के 15% में। बोलो क्लियर है या नहीं है। अगर 6 किलो इतने का आ सकता है तो 1 किलो फाइनली कितने का आ सकता है, बस ये पता कर लो। तो ये बेटा 6 से कट रहा है क्या नंबर, तो 6 से यहीं कहीं काट दो, तो 6 × 24 और कितना बचा बेटा 3, और बेटा 3 से कट रहा है क्या, 6 से कट नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। 6 किलो अगर इतने का है तो 1 किलो कितने का होगा, तो आप बोलेंगे 272 × 15% / 6, ये भी तो कर सकता हूँ मैं। तो बेटा बताओ 3 से अगर मैं काटूं तो 3 × 5 = 15, 5% हो गया, और 3 × 2 = 6, और 2 से अगर मैं काटूं तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और 2 × 6 = 12। अब बेटा 5% में गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। तो 1 किलो कितने का आएगा, तो 5 का गुणा करो, 5 × 6 = 30,
और 13 × 5 = 65, 65 और 3 = 68, और परसेंटेज के कारण 2 के बाद पॉइंट लगा दो। इसका मतलब फाइनली जो है वो कितना कितने का आ रहा है बेटा, भाव क्या बनेगा, 6.8 रुपीज पर केजी। क्वेश्चन इज ओवर। तो सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ। यहाँ कौन कॉन्स्टेंट है बेटा, खर्चा, और यहाँ कौन कॉन्स्टेंट है बेटा, खपत। तो एक बार मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से सुनना। ये मैं बेहतरीन तरीका है अगर आपको फाइनल मूल्य निकालना है। अगर आपको फाइनल मूल्य निकालना है तो सेकंड तरीका बेस्ट है, अगर आपको इनिशियल मूल्य निकालना है तो ये तरीका बेस्ट है, और अगर आपको कोई सा भी तरीका समझ आए आपके लिए वही बेस्ट है। बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो भाई, ये तरीकों मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर मूल्य 15% घटा, अगर मूल्य 15% घटा और खपत मुझे क्वांटिटी उतनी खरीदनी जितनी पहले खरीद रहा था, तो मेरा आज मूल्य 15% घटेगा तो मेरा पैसा भी तो 15% कम खर्च होगा। किसका 15% कम खर्च होगा, 272। तो 272 का 15% कम पैसा खर्च होगा, और जो पैसा मेरा बच जाएगा 15% 272 का, उसमें मैं कितना और अधिक खरीद सकता हूँ, 6 किलो। इसका मतलब 6 किलो कितने का आ रहा है, 272 का 15%। बोलो क्लियर है। अगर 6 किलो 272 का 15% है तो 1 किलो कितने का है, 6 से भाग कर दो। यही कैलकुलेशन सॉल्वर की कितनी आ रही है, 6.8। इसका मतलब फाइनल मूल्य जो है वो 6.8 रुपीज़ पर केजी है। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए उतार लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, जल्दी फास्ट। सर समझ आया यहाँ तक बात, दोनों मेथड मैंने क्लियर कर दिए। आप अगर खर्चे को स्थिर करके करना चाहते हो तब भी आंसर वही आएगा, और अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो तब भी आंसर वही आएगा। बोलो क्लियर हुआ। अगर आपको क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी फास्ट। घटी हुई कीमत, इसमें भी घटी हुई कीमत निकालनी है, और अगर घटी हुई कीमत निकालनी है तो क्वेश्चन को यहीं की यहीं खत्म करेंगे जल्दी फास्ट। बताइए भाई, सभी के सभी मेरे को आंसर बताएं जल्दी फास्ट। क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी फास्ट और आंसर बताइए। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेलो समझना बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि केले की कीमत में 20% की क्या हुई बेटा, कमी। कीमत कितने परसेंट घट रही है, 20%। तो एक व्यक्ति 60 रुपये में 6 केले और अधिक खरीद पा रहा है, अरे क्लियर है। तो ये बताना है कि दर्जन, एक दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या होगी, एक दर्जन केलों की बतानी है कीमत। बोलो क्लियर हुआ। तो एक बात करते हैं, घटी हुई कीमत अगर निकालनी तो फाइनल मूल्य निकालना है, तो फाइनल मूल्य निकालना है तो आप खपत को कॉन्स्टेंट करके क्वेश्चन करो। तो आप बताइए बेटा, हेलो प्राइस कितना घट रहा है बेटा, ये बताओ प्राइस कितना घट रहा है, मूल्य कितना घट रहा है बेटा, 20%। अगर 20% मूल्य घटेगा तो मुझे जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, पैसा जो खर्च करना पड़ेगा आज, वो मुझे कम करना पड़ेगा। कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, 20%। किसका 20% कम करना पड़ेगा बेटा, बताओ, जो मेरे पास है उसका। तो कितना है मेरे पास, 80 रुपये। तो 80 रुपये का 20% कितना बनेगा बेटा, परसेंटेज से 2 जीरो उठा दो, 8 × 2 = 16 रुपये। यानी कि आज मेरे पास 16 रुपये कम खर्च होंगे मेरे, तो 16 रुपये बच जाएंगे, और 16 रुपये जो बच जाएंगे उतने में मैं कितने केले खरीद सकता हूँ, 6। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे 6 केले मैं कितने रुपये में खरीद सकता हूँ बेटा, 16 रुपये में। तो 6 किलों का मूल्य तो आ गया 16। निकालना कितनों का है बेटा, बताओ, एक दर्जन। तो दर्जन में कितने होते हैं बेटा, 12। तो 6 को अगर 12 बनाना हो तो 2 गुना कर दो दोनों साइड, तो इसका मतलब 12 के लिए जो है बेटा वो कितने के आएंगे, 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 32 रुपये। बोलो क्लियर हुआ, बेहतरीन तरीका। उतारे आप, समझ गए क्या सर, समझ गए, आपको समझ आ गया क्या क्या कहना चाह रहा हूं। अगर प्राइस घट रहा है 20%, अगर मूल्य घट रहा है बेटा, यहाँ पर क्या कांस्टेंट किया मैंने, खपत, क्वांटिटी को कांस्टेंट किया, तब जाके मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर क्वांटिटी को मैं कांस्टेंट कर दूँ तो मैं ये मान सकता हूँ कि प्राइस जितना कम होगा पैसा भी मुझे उतना ही कम करना पड़ेगा खर्च। तो प्राइस अगर 20% घट रहा है तो पैसा भी मुझे 20% कम खर्च करना पड़ेगा, जबकि पैसा है कितना मेरी पॉकेट में, 80। तो 80 का 20% कम करूंगा तो कितना कम हो जाएगा पैसा, 16 रुपये। इसका मतलब 16 रुपये मेरे पास बच जाएंगे, और अगर मैं 16 रुपये में और क्वांटिटी खरीदनी चाहूँ तो कितना और खरीद सकता हूँ, 6। इसका मतलब 6 केले 16 रुपये के, 12 केले कितने के, जस्ट डबल कर दो, तो 16 × 2 = 32। क्वेश्चन खत्म। सर समझ में आई बात आपको, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी फास्ट।
सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, जल्दी फास्ट आंसर बताओ. आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जल्दी फास्ट. अब टाइम नहीं लगना चाहिए. अगेन तुम्हें घटी हुई कीमत ही निकालनी है, फाइनल मूल्य निकालना है. अगर फाइनल मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट कर दो क्वेश्चन खत्म. मोटा मोटा समझ आ रहा होगा आपको. और गौर से देख लो ये क्वेश्चन किसका है, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है. मजे की बात. चलिए भाई आ गया बेटा, आ गया. अगर आ गया होगा तो अब देखो बेटा. हेलो, आप बताइए. क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की कीमत में 15% की क्या हुई बेटा कमी. इसका मतलब प्राइस जो है, जो प्राइस है बेटा वो कितना घट गया बेटा, 15%. अगर मूल्य 15% घट गया, अगर मूल्य 15% घट गया और अगर मैं जो क्वांटिटी पहले खरीदना चाह रहा हूँ वही क्वांटिटी आज खरीदूँ, यानी क्वांटिटी को अगर मैं सेम रखूँ, तो मैं कहूँगा अगर मूल्य 15% घट रहा है तो मुझे खर्चा भी 15% कम करना पड़ेगा. तो मेरा जो खर्चा है, जो मेरा पैसा है, वो भी मेरा 15% कम ही खर्च होगा. बोलो क्लियर है. किसका 15% कम बचेगा, कम खर्च होगा, जो मेरे पास पड़ा है. मेरे पास है कितना बेटा बताओ, 2720. तो 2720 का 15% निकाल दो. अरे क्लियर है. तो 15% 2720 का इतना पैसा मेरा बच जाएगा. बोलो क्लियर है या नहीं है. अगर इतना पैसा जो मेरा बच गया, इस पैसे में मैं कितना और खरीद सकता हूँ, 6 किलो. इसका मतलब सीधा सीधा मुझे समझ में आ रहा है कि मैं 6 किलो खरीदने के लिए, 6 किलो खरीदने के लिए उतना ही तो पैसा खर्च कर सकता हूँ जितना बचा है. तो कितना बचा है मेरे पास, 2720 का, 2720 का कितने परसेंट बचा है बेटा मेरे पास, 15%. बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ आया. तो बेटा अब बताओ आप. हेलो, क्या ये नंबर 7 और 2 9 और 2 11 नहीं कट रहा. तो बेटा अब बताओ, 1 किलो का मूल्य, 1 किलो का मूल्य कितना बनेगा बेटा, 2720 इंटू 15% अपॉन 6. अब बताओ 3 से काट दो, 3 × 15 5% तो ये हो गया, और 3 × 2 = 6, और 2 से काटें तो 2 × 1 = 2, और 2 × 3 = 6, और 2 × 6 = 12, और ये 0. बेटा 5% मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, 0. 6 × 5 = 30, और 13 × 5 = 65, 65 × 3 = 68. और बेटा बताओ परसेंटेज हटाएंगे तो कितना पॉइंट लगेगा बेटा, 2 के बाद. तो आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या इतना आएगा, और 2 0. अच्छा हाँ, समझ गया बेटा, गलती हो गई. तो बेटा परसेंटेज से 2 0 हट जाएंगी, तो 2 0 अगर हटेंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा, 68 रुपीज़ पर केजी. तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या राइट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन. सर समझ में आया आपको बात, क्लियर हुआ क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, क्लियर हो गई बात, वेरी गुड. तो अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप CPR से भी कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो क्वांटिटी को सेम करके भी कर सकते हैं. अगर क्वांटिटी सेम कर दोगे तो मूल्य जितना घट रहा है उतना ही पैसा तुम्हारी पॉकेट में बच जाएगा, और जितना पैसा बच गया उसमें उतना ही अधिक खरीद पाओगे जितना पैसे क्वेश्चन में कह रहा है. बस उतने अधिक को डायरेक्ट कंपेयर करना पैसे से, आपको फाइनल मूल्य पता लग जाएगा कि फाइनली वो कितना मूल्य था वस्तु का. चलो अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट. अब इसमें वास्तविक मूल्य निकालना है, वास्तविक का मतलब प्रारंभ में कितना था. तो प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे खत्म करेंगे, चलो CPR लगा दो. प्रारंभिक निकालना है तो जल्दी फास्ट आंसर बताओ. प्रारंभिक निकालना है, अगर वास्तविक मूल्य निकालना है तो CPR लगाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. जल्दी बताओ आंसर. जल्दी फास्ट फास्ट आंसर बताइए. देखिए भाई बेटा समझ में आ गया है यहाँ तक. देखिए भाई करें स्टार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में, कीमत गेहूं की कीमत 20% घट गई तो एक व्यक्ति 800 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है. तो वास्तविक मूल्य बताना है पहले वाला. तो क्वेश्चन में डायरेक्ट खत्म करो, खर्चा जो होता है वो किसके बराबर होता है, मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू क्वांटिटी. लोग क्वेश्चन खत्म करते हैं, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा गया तो यहीं के ही खत्म करेंगे. मूल्य कितने परसेंट घटा 20%. तो 20% घटने का मतलब -1/5. तो -1/5 अगर घटा है और खर्चा वही रखना है तो बताओ क्वांटिटी बढ़नी चाहिए ना. तो क्वांटिटी के बढ़ने का रेशियो क्या होगा, -1/5 के वृद्धि का रेशियो बनेगा +1/4.
तो आप बताओ कितनी अधिक खरीद पा रहा है, 4/1 बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक खरीद पा रहा है बेटा, वो 5 किलो। तो आप बताइए क्वेश्चन के अंदर 5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो गुणा कितना आ गया बेटा, 5, और 4 में अगर गुणा 5 कर दें तो प्रारंभिक खपत आ जाएगी हमारे पास कितने किलो, 20 किलो। इसका मतलब वास्तव में वो पहले 20 किलो खरीद रहा है, कितने रुपये में खरीद रहा है बेटा, रुपया कितना है उसके पास खर्च करने के लिए, 800। तो इसका मतलब पहले वो 20 किलो खरीद रहा है 800 का, तो 20 किलो प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो पहले अगर वो 20 किलो खरीद रहा है कितने का बेटा, 800 का, अगर 20 किलो 800 रुपये का आ रहा है तो 1 किलो कितने का आ रहा है, यही तो निकालना है। तो 20 से अगर काटेंगे तो बेटा बताइए कितनी बार कटेगा, 40। तो 1 किलो आपका जो है वो कितने रुपये का आ रहा है बेटा, 40 का, और 1 किलो का जो मूल्य होगा वही वास्तविक मूल्य बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट हो जाएगा बेटा आपका, 40। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40। बोलो क्लियर हुआ, समझ आया। चलिए भाई, तो अगर आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, हेलो, अगर आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो खर्चा कांस्टेंट कर दो, और नया मूल्य निकालना हो डायरेक्ट एक सेकंड में तो आप खपत को कांस्टेंट कर दो, डायरेक्ट मूल्य निकाल दो। अरे क्लियर है या नहीं है, देखो पिछले वाला क्वेश्चन ये था, अगर यहाँ पे क्या कांस्टेंट किया था मैंने, खपत, फाइनल मूल्य निकालना है खपत कांस्टेंट कर दो, और अगर आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है वो कर दो, लेकिन अगर आपको दोनों समझ आ गए तो दोनों में से किसी को भी कर दो, समझ में आई बात। लेकिन मेरा मेन मोटिव है आपको सबको सिखाना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर दोबारा प्रारंभिक मूल्य निकालना है, फिर दोबारा प्रारंभिक मूल्य निकालना है, जल्दी फास्ट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन में अगेन प्रारंभिक मूल्य निकालना है, जल्दी आंसर बताओ। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल 2022, जल्दी फास्ट। सीजीएल के जितने ही बैचेस थे मैंने सब में बोल के आया था कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आ गया क्या आपका, 1 सेकंड में आंसर आ रहा है ना, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। चलो भाई देखिए बेटा, हेलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है गौर से सुनना। आप बताइए इसमें प्रारंभिक निकालना, तो डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत। बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है, 20% की कमी होती है, तो एक ग्राहक 360 रुपये के खर्चे में कितना किलो अधिक खरीद पा रहा है, 2 किलो। तो प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सुनिए बेटा, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब सॉल्यूशन देख लो। अगर मूल्य 20% घटा तो -1/5, और अगर खर्चा कांस्टेंट करना है तो बताइए खपत को बढ़ना पड़ेगा। तो अगर मूल्य घट रहा है -1/5 में तो खपत बढ़ेगी कितने रेशियो में, 1/4 में। तो 4/1 बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन में 1 नहीं बढ़ रही, क्वेश्चन में 2 किलो बढ़ रही है, तो कितना गुना हो गई बेटा बात, 2, और 4 का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो कितने किलो बन जाएगी, 8 किलो। इसका मतलब प्रारंभ में वो 8 किलो खरीद रहा है कितने का बेटा, 360 का। तो इसका मतलब प्रारंभ में अगर 8 किलो 360 का आ रहा है, अगर प्रारंभ में 8 किलो 360 का आ रहा है, तो आप बताओ 1 किलो कितने का आएगा बेटा, 45। तो आप कहेंगे यार 1 किलो आएगा 45 का, और अगर 1 किलो 45 का आएगा तो मूल्य भी कितना बन जाएगा बेटा, 45। तो विच ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन। समझ गए क्या सर, समझ गए क्या, वेरी गुड, क्लियर हुआ। तो देखिए भाई, अब तक मैं कांस्टेंट कर रहा था, अब तक मैं क्या कर रहा था बेटा, कांस्टेंट, ठीक है, या तो मैं 2 नंबर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट कर रहा था, या मैं 1 नंबर को कांस्टेंट करके दोनों को बराबर कर दे रहा था। बोलो क्लियर है या नहीं है। तो उन तरीके से मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर बताओ जल्दी फास्ट। इसमें घटी हुई कीमत बतानी है, नमक की घटी हुई कीमत बतानी है, बताओ कौन सा तरीका लगाना बेस्ट रहेगा, किसको कांस्टेंट करना बेस्ट रहेगा, खर्च को कांस्टेंट करूं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर खपत को कांस्टेंट करूं, फाइनल निकालना है, फाइनल, तो फाइनल निकालने के लिए खपत को कांस्टेंट कर दो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, बताओ आंसर जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप अगर फाइनल मूल्य निकालना चाह रहे हो तो आप ये समझ के चलो कि पहले मैं जितना खरीद रहा था आज भी मैं उतना ही किलो खरीद के ले जाऊंगा। अगर मैं आज उतना ही किलो खरीद के ले जाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि मूल्य जितना घटेगा पैसा उतना कम खर्च होगा, और पैसा जितना कम खर्च होगा उसमें ही जो क्वांटिटी बढ़ रही है उसको मैं अधिक खरीद पाऊंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है करें भाई, करें भाई स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि नमक की कीमत में 15% की कमी होती है, क्या होती है बेटा, कमी, इसका मतलब सेम क्वांटिटी, कहीं मुझे फाइनल निकालना है तो मैं क्वांटिटी को सेम रखूंगा, अगर मैं क्वांटिटी को सेम रखता हूं तो आप सभी जानते होंगे एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, अगर मैं क्वांटिटी को सेम करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब मूल्य जितने से घटेगा एक्सपेंडिचर भी उतना ही कम करना पड़ेगा। तो
आप जल्दी बताइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्लीज़ यहाँ पे देखना सॉल्यूशन हेलो सॉल्यूशन देखना बेटा प्लीज़ आप बताइए प्राइस में कितने की कमी हो रही है बेटा आप बताओ मूल्य कितने से घट रहा है 15% अगर मूल्य 15% घट रहा है तो आप बताइए मुझे पैसा भी तो मुझे उतना ही कम खर्च करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए तो पैसा मुझे कितना कम खर्च करना पड़ेगा बेटा 15% तो मुझे 15% कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है किसका जितना मेरे पास है उसका तो मेरे पास है कितना बेटा बताओ 272 तो 15% किसका 272 का इतना पैसा मेरा बच जाएगा और जो मेरा पैसा बच जाएगा ये वाला पैसा इसमें ही मैं कितना किलो खरीद सकता हूँ 2 किलो अधिक खरीद सकता हूँ इसका मतलब ये है कि मेरे 2 किलो जो मैं अधिक खरीद पा रहा हूँ वो कितने रुपये में खरीद पा रहा हूँ बेटा मैं 272 × 15% इतने पैसे में खरीद पा रहा हूँ अरे बोलो यार तो 2 किलो इतने का आ रहा है तो 1 किलो कितने का आ रहा है दोनों तरफ काट दो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12 अब डायरेक्टली 1 किलो कितने का आ रहा है बेटा गुणा कर देते हैं तो 15 × 6 = 90 9 × 15 = 45 45 × 9 9 × 5 = 14 54 अरे क्लियर है 5 आंसर 15 × 15 = 20 बोलो क्लियर है और परसेंटेज से लगा दो के बाद पॉइंट बोलो क्लियर हुआ तो आप बताइए आपका 1 किलो का मूल्य कितना आ गया 20.4 तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट हो जाएगा बेटा 20.4 रुपए प्रति किलो तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस बोलो क्लियर हुआ समझ आया उतारिए तो आप बताइए क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट तो बेटा यहां पे मेरी बात खत्म हो जाती है किस बात की किस चीज की बात खत्म हो जाती है अब तक मैं क्या कर रहा था एक बार मैं बता देता हूं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूं देखिए भाई बेटा यहां तक बात क्लियर हो गई होगी अब मैं आगे बढ़ रहा हूं गौर से सुनना प्लीज देखिए भाई अब तक हम ये कह रहे थे कि दो संख्याएं थी हमारे पास ए और बी और वो दोनों गुणा में थी और वो गुणा में थी तो गुणा किसके बराबर था बेटा सी के तो अब तक क्या हो रहा था अब तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आपके पास 3 संख्याएं हैं कितनी संख्याएं बेटा 1, 2, 3 इन 3 संख्याओं में से एक संख्या तो करते थे हम कांस्टेंट क्या करते थे बेटा कांस्टेंट अरे बोलो एक संख्या को कांस्टेंट कर देते थे और एक का हम फाइंड करते थे दूसरे का हम फाइंड करते थे और तीसरी संख्या का हमें गिवन होता था चेंज बोलो क्लियर है या नहीं है और जब इस पर हम क्वेश्चन करते थे तो क्वेश्चन 2 तरह का बनता था कैसा या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का बनता था या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का बनता था बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ मतलब CPR इनवर्सली का मतलब है CPR कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बोलो क्लियर है तो कहने का मतलब डायरेक्टली का मतलब क्या है सी बराबर ए इंटू बी अगर मैं कहूँ कि बी कांस्टेंट है मेरा कौन कांस्टेंट है बेटा बी ये मेरा कांस्टेंट है अगर ये मेरा कांस्टेंट है तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा बराबर ये बराबर होने का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा तो हम कुछ नहीं करते थे जितना ये कम होता था उतना ही इसे कम मान लेते थे जितना ये बढ़ता था उसे उतना बढ़ा देते थे बोलो क्लियर हुआ लेकिन CPR में हम क्या करते थे सी इक्वल टू ए इंटू बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट कौन होता था बेटा सी तो इस केस में अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा और ए घटेगा तो बी बढ़ेगा तो हम कुछ नहीं करते थे प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना के क्वेश्चन खत्म कर देते थे बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ तो ये वाला टॉपिक आपका हो गया ओवर समझ गए क्या ये वाला टॉपिक हो गया ओवर कौन सा टॉपिक खत्म हो गया बेटा गुणा का केस है और उस गुणा के केस के अंदर एक वेरिएबल कांस्टेंट और बाकी एक का हमें चेंज दे रखा होगा दूसरे पर इफेक्ट निकालना होगा बोलो क्लियर हुआ और ये वाली केसेस 2 तरह से काम करते हैं बस या तो अगर ये एक पैरामीटर कांस्टेंट हो जाए तो वो दोनों बराबर हो गए तो एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा एक घटेगा तो दूसरा घटेगा अरे बोलो क्लियर हुआ इसी चीज को मैंने किससे सॉल्व किया था देखो ये वाला केस था जिसे मैंने मान के चला था आप सभी जानते हो खर्च बराबर क्या होगा बेटा आप बताइए खर्च बराबर क्या होगा यही तो क्वेश्चन कराई मैंने खर्च बराबर क्या होगा बेटा आप बताइए मूल्य इंटू खपत और यहाँ पे भी मैंने वही फॉर्मूला यूज किया खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत बोलो यही तो किया था तो आप खुद बताइए बेटा मेरे को मैंने पहला केस ये लेके चला था कि अगर मान लीजिए मूल्य मेरा 12% घट रहा है मूल्य मेरा कितने परसेंट घट रहा है 12% तो अगर मैं खपत को कांस्टेंट करूं किसको कांस्टेंट करूं बेटा खपत को तो आप बताइए ये दोनों क्या होंगे बेटा बराबर अगर ये दोनों बराबर है तो मूल्य अगर 12% घट रहा है तो मेरा खर्चा भी कितने परसेंट कम रहे कम होगा 12% तो बस इसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर निकाल देता था 1 सेकंड में बोलो क्लियर हुआ
और अब दूसरा केस क्या आता था, दूसरे केस में अगर 12% ये घट रहा है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए आपका 20% घट रहा है, मूल्य कितने परसेंट घट रहा है 20%, तो मैं खर्चे को कांस्टेंट करता था, कैसे कांस्टेंट करता था, सीपीआर में खर्चे को, और खर्चा कांस्टेंट तब होगा जब मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी। तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता था, 20% घटने का रेशियो -1/5 और -1/5 से वृद्धि का रेशियो लिख देता था +1/4 और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता था। बोलो क्लियर हुआ? तो आज आपका ये वाला केस हो गया ओवर। अब मैं नेक्स्ट केस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो गौर से सुनना, नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट केस ये है कि गुणा का ही केस है, गुणा और भाग का ही केस है। किसका केस है बेटा? गुणा का और भाग का। लेकिन अब आपका क्या होगा, तो अब क्वेश्चन में ये है कि कितनी संख्या है बेटा टोटल, ये 3। कितने नंबर्स हैं बेटा ये? 3 नंबर्स। इन 3 नंबर्स में से पहले क्या होता था, एक कॉन्स्टेंट होता था, एक का पूछा जाता था और एक दे रखा होता था। बोलो क्लियर है? लेकिन अब एक्चुअली में क्या होगा कि कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगा। अब बाकी अगर कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो 2 नंबर बचेंगे, वो दोनों के दोनों नंबर आपके चेंज करेंगे पहली बात, और वो आपको चेंज दे रखा होगा, इट इज गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। अब दोनों वेरिएबल चेंज करेंगे, बोलो क्लियर है? और एक नंबर जो तीसरा नंबर बच गया, थर्ड नंबर, उसका चेंज पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वो आपको निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो अब आपके केस क्या है कि अब कोई कॉन्स्टेंट होगा ही नहीं क्वेश्चन में, अब सब कुछ चेंज ही चेंज करेगा। अगर आप सब कुछ चेंज ही चेंज करेगा तो अब आपको आंसर बताना है कि अब क्या इफेक्ट आएगा। तो अब गौर से सुन लीजिए, आप ये तो अच्छी तरह जानते हो कि C बराबर A इंटू B है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ A बराबर C अपॉन B? अरे है या नहीं है? इसका मतलब जहाँ गुणा वाला केस आ रहा है वहाँ गारंटेड भाग वाला केस आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? तो एक बात गौर से सुन लीजिए, आज के बाद भैया हम कुछ नहीं करेंगे, आज के बाद हमें दोनों नंबर चेंज दे रखे होंगे, क्योंकि 3 नंबर है ए बी और सी, 3 में से दोनों चेंज करेंगे, जो बचेगा उसका पूछा जाएगा और उसी को निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लेना, फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। बोलो क्लियर हुआ? तो अब गौर से सुनिए भाई, ये वाला केस तो हो गया खत्म, ये वाला केस तो हो गया खत्म, अब इस वाले केस की बात कर लेते हैं अच्छे से। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक कि आपके दोनों नंबर चेंज करेंगे उसका क्या करेंगे? ठीक है भाई, अब गौर से सुनना पहले कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई, यहाँ पर भी मैं 2 केस बना रहा हूँ, देखो समझना गौर से। अगर C बराबर A इंटू B है, क्या है बेटा? A इंटू B, और मैंने ये कहा, मान लीजिए कि A जो वेरिएबल है ये बढ़ रहा है 20%, कितने परसेंट? 20%, और बी जो वेरिएबल है मान लो ये घट रहा है 25%, कितने परसेंट? 25%। तो आपको निकालना है कि बताइए सी में कितना चेंज होगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अरे यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो आज आपको 2 वेरिएबल का चेंज दे रखा है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लेना, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आज एग्जाम्पल क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो आप बताइए कितने वेरिएबल हैं बेटा? 3, ए बी और सी, चेंज कितने हो रहे हैं बेटा? 2। ए बढ़ रहा है कितने परसेंट से? 20, और बी घट रहा है कितने परसेंट से? 25। तब आपको चेंज किसका निकालना है बेटा? सी का। सर समझ में आई बात? भर भर के क्वेश्चन पूछे एग्जाम ने, भर भर के क्वेश्चन पूछे इस बात पे, दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बना लिया कि मान लीजिए सी इक्वल टू ए इंटू बी है, मैंने वही क्वेश्चन किया, मैंने कहा सी के अंदर 20% की वृद्धि हुई, अब जो 20% वृद्धि है वो मैंने किसके अंदर ले ली बेटा? सी के अंदर। और मैंने कहा कि भाई बी के अंदर मैंने कहा कि 25% की कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई? 25%, और मुझे ए का वैल्यू निकालना है। अरे क्लियर हुआ? तो पहले तो आप मुझे बताइए, जो भी 2 वेरिएबल दे रखे हैं जिनका चेंज मुझे दे रखा है, ये दोनों गुणा में है या भाग में है? गुणा में। तो ये वाला केस तो हो गया गुणा का, और आप बताइए यहां पर जो निकालना है ए, वो ए बराबर क्या बनेगा? सी अपॉन बी बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये वाला केस हो गया भाग का, और मैंने बस यही दोनों क्लियर कर दिए। तो आप ये समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन खत्म है, सीजीएल वीजीएल सीएचएसएल जीडी वीडी टेट वेट सब। अब ये आपको दिखा दूंगा मैं अभी क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर देख लो प्लीज, हेलो गौर से समझना, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, अगर गुणा वाला केस हो और आपको आंसर निकालना हो तो टोटल आपके क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं 2। कितने तरीके होते हैं बेटा? 2। गौर से सुनना, इस क्वेश्चन को अगर गुणा वाला केस है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के होते हैं 2 तरीके। कौन कौन से 2 तरीके? तो पहला गौर से सुनना, पहला तरीका होता है परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड। लेकिन दूसरा तरीका होता है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड बेटा? रेशियो मेथड। तो इसका मतलब यह है कि जब भी गुणा का केस आ जाए तो आप हमेशा 2 मेथड में से कोई सा मेथड लगा देना, परसेंटेज लगा देना, चाहे आप क्या लगा देना, रेशियो। लेकिन ध्यान रखना, अगर भाग का केस हो तो क्वेश्चन को हमेशा रेशियो से खत्म करेंगे। किससे खत्म करेंगे? रेशियो से।
अरे बात समझ में आई, डायरेक्ट क्वेश्चन रेशियो से खत्म कर देंगे एक सेकंड में। बोलो क्लियर हुआ, यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो अब आ जाइए भैया, पहले मैं भाग वाला, पहले मैं गुणा वाला केस समझा देता हूँ, समझना। देखिए अगर दो वेरिएबल गुणा में हो, किस में हो बेटा, गुणा में, और अगर एक एक्स परसेंट से चेंज हो रहा है, एक अगर एक्स परसेंट से चेंज हो रहा है और दूसरा अगर वाई परसेंट से चेंज हो रहा है, तो जो टोटल चेंज होगा वो हमेशा बराबर होगा। पहले एक एक को जोड़ दो एक्स प्लस वाई, पहले एक एक को जोड़ दो एक्स प्लस वाई, और फिर दोनों को मिला के जोड़ दो तो एक्स इंटू वाई। लेकिन आप बताओ परसेंटेज कितनी बार आ रहा है बेटा, दो बार, लेना कितनी बार है, एक बार। तो एक परसेंटेज के साइन को हटाओ तो नीचे 100 आएगा, ये परसेंटेज होता है 1/100, तो ये आ जाएगा 1/100, मतलब एक्स वाई अपॉन 100, और ये आ जाएगा बाहर परसेंटेज का साइन। तो बेटा बताइए टोटल परसेंटेज चेंज क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अब आप बताइए इसे कैलकुलेशन में क्या कहें, तो एक्स प्लस वाई का मतलब है एक एक करके जोड़ना, और एक्स इंटू वाई का मतलब है दोनों को मिलाकर जोड़ना। अरे बोलो, और डिवाइड बाय 100 का मतलब है दो के बाद पॉइंट लगाना, कितने का पॉइंट लगाना, दो के बाद। तो आज के बाद ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, आज के बाद तुम ये याद रखोगे कि अगर दो परसेंटेज दे रखी है तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे x प्लस वाई, और फिर दोनों को मिला के जोड़ देंगे x इंटू वाई, और जो ये दोनों को मिला के जोड़ा है इसमें दो के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि डिवाइड बाय 100 है। बोलो क्लियर हुआ? तो आज के बाद शॉर्ट में याद रखना कि अगर दो वेरिएबल गुणा में हैं और आपको अगर टोटल चेंज निकालना है, टोटल चेंज निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले एक एक करके जोड़ेंगे एक्स वन, एक एक करके जोड़ेंगे, प्लस दोनों को मिला के एक्स टू, और कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे बेटा, दो के बाद। एक्स टू में कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, दो के बाद पॉइंट लगाएंगे। बोलो क्लियर हुआ सर, समझ में आया केस? अरे क्लियर है। और रेशियो मेथड में कुछ नहीं करेंगे, रेशियो मेथड ये कहता है कि डायरेक्ट रेशियो लिख दो, क्या लिख दो बेटा, रेशियो, डायरेक्ट रेशियो लिखो और आपका आंसर खत्म, डायरेक्ट रेशियो लिखो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दोनों तरीके से, तो समझना भैया। हेलो, अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, समझना। पहला वाला तरीका, हेलो, तो आप बताइए बेटा सी बराबर क्या है आपका, ए इंटू बी। आप बताओ ए कितने परसेंट बढ़ रहा है बेटा, 20%, और बी कितने परसेंट घट रहा है, 25%। बोलो क्लियर है। और सी का मुझे चेंज निकालना है, तो सी का चेंज क्या होगा, पहले एक एक करके जोड़ो, तो प्लस 20 और माइनस 25, तो नेट में लागे कितना आएगा, -5। अरे प्लस 20% -25% दोनों को जोड़ोगे तो -5, और दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 हो गया, और वही प्लस माइनस माइनस में आएगा, लेकिन दो के बाद पॉइंट लगा दो तो -5। बोलो क्लियर हुआ? तो -5 -5 क्या हो गया, -10, और पीछे परसेंटेज का साइन, आंसर इज ओवर। तो बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको दो वेरिएबल गुणा में मिले और उनका आपको नेट चेंज निकालना हो, क्या निकालना हो, नेट चेंज निकालना हो, तो बेहतरीन तरीका होता है पहले एक एक करके जोड़ दो, प्लस 20 माइनस 25 नेट बनेगा -5, फिर दोनों को मिला के जोड़ दो, तो दोनों को मिलाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, माइनस का 500 हो जाएगा, और उसमें दो के बाद पॉइंट लगाओगे तो माइनस का 5 बचेगा, -5 -5 कितना हो गया, -10। अरे क्लियर हुआ? लेकिन आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व और भी कर सकते हो, ये तो था मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन क्लियर हो गया। अरे बोलो, अब मेथड नंबर टू देखो भाई, मेथड नंबर टू क्या है, मेथड नंबर टू है रेशियो मेथड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो सी बराबर ए इंटू बी। तो बताओ ए के अंदर कितने परसेंट वृद्धि है बेटा, 20%, कितने परसेंट वृद्धि है, 20, और सी बी के अंदर कितने परसेंट कमी है, 25%। आपको किसका चेंज निकालना है, सी का, तो रेशियो मेथड ये कहता है जो भी परसेंटेज चेंज दे रखा है उसका रेशियो लिख दो, क्या लिख दो, रेशियो। तो बताओ 20% क्या होता है बेटा, 1/5, लेकिन ये वृद्धि है, प्लस है ये, तो प्लस 1/5 का मतलब हो गया 5/1 बढ़ के, रेशियो कितना बन जाएगा, 6/5, और बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दो। बोलो क्लियर हुआ? और आप बताइए बी के अंदर कितने परसेंट कमी है, 25% 25% 1/4, और 4/1 कम होगा क्योंकि माइनस है, तो 3/4। बोलो ये बात क्लियर है? तो अब आप बताइए ए को और बी को गुणा करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, सी की, और सी हमें निकालना है, तो सी का रेशियो पहले फाइंड करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा 6 3 18, और नीचे आएगा 5 4 20, और रेशियो क्या पढ़ा, क्या पढ़ा जाता है, फाइनल अपॉन इनिशियल, तो यानी सी पहले 20 था, अब कितना हो गया, 18, तो कितना घट गया बेटा, 2। और आप बताओ 2 की कमी कितने पर हो रही है बेटा, 20 पर, और परसेंटेज निकालना है गुणा 100, तो बेटा बताइए 0 से 0 और 2 से 2 कटा, तो आंसर कितने परसेंट आ गया, -10%। चेक करो आंसर दोनों जगह सेम है क्या, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड फास्ट है और ये मेथड स्लो है, लेकिन आप ये रटोगे नहीं
कि हम ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड लगाएंगे, हम ये नहीं लगाएंगे, हम ये भी लगा रहे होंगे, ये भी लगा रहे होंगे। अब मैं ये लिख देता हूँ कि कब आपको कौन सा यूज करना है। तो एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज मेथड आप तब लगाएंगे जब आपको जो डाटा दे रखा हो क्वेश्चन में, जब वो आपको जो डाटा दे रखा हो वो परसेंटेज में हो और परसेंटेज के साथ साथ पूर्णांक में हो। किस में हो बेटा? परसेंटेज और पूर्णांक में। और रेशियो मेथड तब यूज करेंगे जब परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में दी जाए। किस में दी जाए बेटा? फ्रैक्शन में। जैसे आपसे कह रहे हैं 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, तो फिर ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। फिर ये तरीका लगा दो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो जब परसेंटेज फ्रैक्शन में हो तो रेशियो मेथड लगा देना, परसेंटेज इंटीजर में हो आप परसेंटेज मेथड लगा देना। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आप आई थिंक गुणा वाला केस खत्म, समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं भाग वाले केस की। भाग वाला केस भी आ जाता है बहुत बार, तो भाग वाले केस के लिए क्या करना है, वहीं की वहीं चीजें खत्म करनी है, गौर से सुनना। अब भाग वाले केस को और देख लीजिए, बात खत्म। क्वेश्चन क्या है बेटा, गौर से सुनो। हेलो, क्वेश्चन क्या है, गौर से सुने। मैं यहां लिख देता हूं, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। सी के अंदर कितने परसेंट बढ़ा बेटा? 20%। ए का मुझे चेंज निकालना है और बी कितने परसेंट घट रहा है? 25%। अरे बोलो यार, क्लियर है? और मैंने क्या बोला, जब कभी भी आपको भाई साहब भाग वाला केस मिले, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन तरीका, आप रेशियो लिखोगे तब भी वही आएगा, डायरेक्ट करोगे तब भी वही आएगा, इसलिए डायरेक्ट कर दो ना, टाइम बचाओ ना। तो बेहतरीन तरीका आप देखो यहां पर, हेलो देखना भाई, हेलो यहां देखो, भाग वाला केस क्यों है बेटा ये, क्योंकि निकालना किसका आंसर है बेटा? ए का। तो पहले आप बताओ ए बराबर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे ए बराबर बनेगा सी अपॉन बी। बोलो यहां से ये बात समझ में आई? अब आप कुछ मत करो, डायरेक्ट ए का वैल्यू निकाल दो, तो बताओ सी के अंदर कितना चेंज है? 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि हुई तो 100 पहले परसेंट, अपने आप में कोई भी चीज पहले कितने परसेंट होती है? 100। 100 में अगर 20% बढ़ रही है तो फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 120। तो डायरेक्ट सी की जगह पर 120% लिख दो। अरे समझ गए क्या? नीचे बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी कितने परसेंट घट रहा है? 25। इसका मतलब पहले 100% था, 25% घट गया, तो कितने परसेंट बचा? 75। तो अब आप बताओ डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें तो डायरेक्ट ए का रेशियो आ जाएगा, तो ए का रेशियो डायरेक्ट बताओ कितना आ गया। तो बेटा 5 से काट दें तो 5 से कटेगा 24 बार और 5 से कटेगा 15 बार। अरे क्लियर है? अरे बोलो यार। तो आप बताओ फाइनल अपॉन इनिशियल डायरेक्ट पढ़ लो, 15 से अगर 24 हो रहा है तो बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बेटा? 9। तो आप डायरेक्ट बताइए 9 की वृद्धि कितने पर हो रही है बेटा? 15 पर। और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100, तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15, और 5 से काटा 20, तो 20 × 3 = 60, तो आंसर आ गया 60% की वृद्धि। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आज के बाद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो जैसा है अगर भाग वाला केस आ जाए बस उनकी परसेंटेज डायरेक्टली रेशियो में लिखेंगे, वहीं के वहीं रेशियो निकालेंगे, क्वेश्चन खत्म। सर समझ में आई बात आपको? तो गुणा वाला केस खत्म हो गया, गुणा वाले करने के दो तरीके और भाग वाले करने का सिंगल बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, समझ आ गया होगा। बोलो क्लियर हुआ? अगर आप इस केस में यही कहीं, अगर आप ये भी करना चाहें तो ये भी काम कर सकते हो। ये तो मैंने पहले ऐसे किया, लेकिन अब आप एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, गौर से सुनो। आप डायरेक्टली रेशियो पुट कर दो, यही कहीं रेशियो पुट कर दो। 20% वृद्धि का रेशियो कितना होता है? 6/5। ए का मुझे आंसर निकालना है, ए को यही रहने दो। 25% कमी का रेशियो कितना होता है? 3/4। तो सामने सामने कट रहा है, ए का मान वैल्यू निकालेंगे, 3 से 2 बार कट गया बेटा ये, तो डायरेक्ट ए का मान कितना आ गया बेटा? 4 × 8/5। ए का वैल्यू निकालो पहले, 8/5, तो 5 से अगर 8 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है बेटा? 3। तो 3 की वृद्धि कितने पर बेटा? 5 पर, और गुणा 100, तो 5 से काटा 20, आंसर आ गया 60% वृद्धि। पहले भी 60 आया था, अब भी 60 आया था, तो इट डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करना चाह रहे हो। बोलो क्लियर है या नहीं है? समझ आ गया? अगर आपको ये समझ आ गया तो अब करते हैं क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। प्लीज यहां पे देखो, पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करो, एसएससी जीडी का पहला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। अब मुझे आंसर चाहिए सबके सबका, आंसर बताएंगे सभी के सब। देखिए वही के वही है, वही चीज चल रही है, कीमत, कीमत माने मूल्य। हेलो, वही चीज चल रही है, गौर से देखो, कीमत माने मूल्य, बिक्री माने खपत, प्रभाव राजस्व, राजस्व माने खर्चा। तो मूल्य खर्च और खपत पर ही क्वेश्चन है, रिलेशन तो मल्टीप्लाई डिवाइड का ही होता है। क्वेश्चन खत्म करो जल्दी फास्ट। तो करें स्टार्ट, अरे करें स्टार्ट, देखो सुनना भाई, करें भाई, देखो प्लीज सुनना,
देखो बेटा यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, देखो आप बताओ कीमत और खपत और खर्च में क्या होता है रिलेशन। तो आप जानते हो खर्च बराबर क्या होता है बेटा, राजस्व बराबर क्या होगा, मूल्य इंटू खपत क्वांटिटी। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइकिल की कीमत में 20% की कीमत में मतलब मूल्य में 20% की कमी हुई, अरे बोलो यार, और बिक्री का मतलब क्वांटिटी में भी 20% की वृद्धि हुई, क्वांटिटी में 20% क्या हुई वृद्धि, तब कह रहा है खर्चे में बताओ क्या चेंज हुआ। तो बेटा आप बताइए परसेंटेज, डाटा कैसा दे रखा है परसेंटेज और पूर्णांक में, परसेंटेज और पूर्णांक में तो डायरेक्टली तरीका लगा दो, पहले एक एक को जोड़ दो फिर दोनों को मिला के जोड़ दो। तो एक एक को जोड़ेंगे तो प्लस 20 माइनस 20 कटेगा कितना आएगा जीरो, फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा माइनस 20 इंटू प्लस 20 माइनस का 400, और इसमें दो के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, तो जीरो माइनस 4 आंसर आ गया माइनस 4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा 4% की कमी, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा 4% की हानि। खत्म क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन क्लियर है, अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी फास्ट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीएचएसएल, ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2022 का, जल्दी आंसर बताओ। देखो आयत की बात कर रहा है, आयत की लंबाई में, जल्दी फास्ट आंसर बताओ जल्दी फास्ट, आयत की लंबाई हेलो, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 20% की क्या होती है बेटा वृद्धि। तो कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर एल इंटू बी, अरे बोलो यार, तो ये इंटू का केस है, एरिया का तो आंसर निकालना है, एरिया बराबर एल इंटू बी। आप बताओ एल में कितने परसेंट वृद्धि है बेटा 15%, और बी के अंदर कितने परसेंट वृद्धि है 20%, आपको किसका चेंज निकालना है बेटा एरिया का। अगर परसेंटेज और पूर्णांक में आंसर हो तो डायरेक्टली एक एक करके जोड़ के फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़े तो बात खत्म, तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे तो 20 और 15 कितना हो गया बेटा 35, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा 15 दूनी 30 300, और 300 में लगाएंगे दो के बाद पॉइंट तो ये कितना बनेगा बेटा प्लस 3, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 35 और 3 कितना हो गया बेटा 38, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी बेटा क्वेश्चन में 38%। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा बी ऑप्शन। आसान है या नहीं है बताओ, जब भी परसेंटेज पूर्णांक में मिले बेहतरीन तरीका एक एक करके जोड़ो दोनों को मिला के जोड़ दो क्वेश्चन खत्म। बोलो क्लियर हुआ, चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, गौर से देखो क्वेश्चन किसका है, हेलो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन किसका है, एसएससी सीजीएल टायर 2 मतलब मेंस 2019 का, आंसर बताओ। दैनिक घंटे मतलब घंटों की बात हो रही है, प्रति घंटे मजदूरी एक घंटे में जो कमा रहा है वो, और टोटल आय जो बन रही है उसमें चेंज पूछ रहा है। एक घंटे में जो कमाई हो रही है उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल बनेगा, तो क्वेश्चन यहीं की ही खत्म करेंगे। चलो तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मुझे तो समझाना पड़ेगा बेटा। आप बताओ जो भी वो प्रति घंटे जो वो कमा रहा है, प्रति घंटे जो वो रुपए कमा रहा है उसमें अगर घंटे से मल्टीप्लाई हो जाए तो टोटल उसकी आय बनेगी या नहीं बनेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बशीर के कार्य के दैनिक घंटों में यानी कि टाइम में 15% की क्या हो रही है बेटा वृद्धि, तब ये कह रहा है कि उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 20% की क्या हो रही है वृद्धि, तब ये कह रहा है कि ये बताइए आय में क्या होगा। तो बेटा आय में अगर निकालना है तो दोनों केस मल्टीप्लाई के हैं, और मल्टीप्लाई का केस आ जाए और परसेंटेज और पूर्णांक हो तो डायरेक्ट आंसर करेंगे एक एक जोड़ेंगे फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो 35 तो ये बन गया, अरे बोलिए यार, और दोनों का मल्टीप्लाई बनेगा प्लस 300, और 300 में लगाएंगे दो के बाद पॉइंट तो ये हो गया प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 38%। आप एक बात देखो, पहले ये क्वेश्चन यही सेम डाटा था, आंसर कितना आ रहा था 38, और अभी भी आंसर कितना आ रहा है 38, लेकिन पहले क्वेश्चन था सीएचएसएल का और अभी ये क्वेश्चन किसका है सीजीएल मेंस का, तो कोई फर्क तो नहीं है दोनों के केस में, अरे बोलो यार, और इससे सबसे पहले ही क्वेश्चन किसका था जीडी का, इसका मतलब कोई डिफरेंस है क्या, जीडी सीएचएसएल सीजीएल कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है, ये जानबूझ के बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन करो जल्दी फास्ट, वही सेम क्वेश्चन है जल्दी देखो, ये अगेन क्वेश्चन आ गया सीएचएसएल 2022 का, आंसर बताओ जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए जल्दी फास्ट, दिख नहीं रहा क्या, सोनू गुरु जी कहाँ है, देखना अब सही है क्या, अब ठीक है सही आ रही है, चलो अब सही है, चलो क्वेश्चन बताओ जल्दी फास्ट बेटा। देखिए भाई
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु पर कर 14% कम हो गया और इसकी क्वांटिटी 14% बढ़ गई, तो इसके राजस्व पर, ये वही वाली बात है आज आए वाला, तो बेटा आप बताओ टोटल जो रुपया होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अरे क्लियर है, तो भाई कर के कितने परसेंट कम हो गया 14% और क्वांटिटी कितने परसेंट बढ़ गई 10%, आपको किसका चेंज निकालना है बेटा रुपए का। तो बेटा बताओ पहले दोनों परसेंटेज इंटीजर में और गुणा का केस है, अगर गुणा का केस है तो डायरेक्टली पहले एक एक करके जोड़ दो और फिर दोनों को मिला के जोड़ दो, दोनों को एक एक करके जोड़ेंगे तो माइनस 4 तो ये हो गया और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा आप बताओ माइनस का 140, बेटा प्लस माइनस माइनस होगा और दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो माइनस का 1.4 और माइनस का 4 और माइनस का 1.4 जोड़ेंगे तो माइनस का 5.4%, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया बेटा आप बताओ सी ऑप्शन, तो 5.4% की कमी हो जाएगी, बात खत्म। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन, आंसर बताइए जल्दी फास्ट, आई वॉन्ट द आंसर। गौर से देखिए क्वेश्चन किसका है, एसएससी एमटीएस, ये क्वेश्चन है एमटीएस 2021 का, और देखो 19% 19 कैसा नंबर है पूर्णांक परसेंटेज में डाटा है, तो फिर वही तरीका लगाओ बेहतरीन तरीका, जल्दी फास्ट आंसर बताओ बेटा जल्दी फास्ट आंसर बताओ। तो गौर से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक व्रत है, व्रत बेटा व्रत की एक त्रिज्या होती है आर, अरे क्लियर है, और जो ये त्रिज्या है बेटा ये 19% बड़ी है, अरे क्लियर है, तो ये कह रहा है उसके क्षेत्रफल में बताइए, तो बेटा यहाँ बताओ एरिया क्या होता है, ये बताओ एरिया क्या होता है जल्दी बोलो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर मान लू, अरे आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर मान लू, अरे बोलो जल्दी फास्ट आर स्क्वायर, बेटा आप बताओ पाई क्या है जल्दी बोलो, पाई क्या है बेटा कॉन्स्टेंट, और अगर कभी फॉर्मुले में कॉन्स्टेंट हो तो कॉन्स्टेंट का मतलब चेंज में तो वन होता है, तो इसका मतलब सिंपल ये फॉर्मूला क्या बचा बेटा आप खुद बताइए, सिंपल ये फॉर्मूला आर इन टू आर रह गया, तो बेटा आप बताइए आर में कितने परसेंट वृद्धि है बेटा 19% और दूसरे वाले आर में भी कितने परसेंट वृद्धि होगी 19%, आपको एरिया पर फर्क बताना है, तो बेटा दोनों मल्टीप्लाई में है या नहीं है, अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में नेट चेंज निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले एक एक करके जोड़ेंगे और फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे, पहले तो मोटा मोटा हिसाब बताओ, यहाँ पर मोटा मोटा कैलकुलेशन बताओ, दोनों को एक एक करके जोड़ेंगे तो 19 दूनी 38 तो ये हो गया, और दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो 38 से बड़ा ही आंसर आएगा, ऑप्शन देखो 38 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, खत्म क्वेश्चन। ये अप्रोच भी बहुत अच्छी होती है कि एक एक को जोड़कर और जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर उससे बड़ा ही आएगा, और ऑप्शन में देखो 19 दूनी 38 38 से बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि अभी तो दोनों को मिला के भी जोड़ना है, तो दोनों को मिला के जोड़ना है तो 38 से बड़ा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बस एक ही ऑप्शन राइट है, टिक मारो, आगे कैलकुलेशन ना भी करें तब भी आंसर राइट है, लेकिन करेंगे हम कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखो 19 और 19 कितना हो गया बेटा 38%, अरे बोलो अब दोनों को मिलाएंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 381 361 सॉरी एक मिनट बेटा गलती हो गई बेटा, ये कितना हो गया 361, लेकिन इसमें दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3.61 बेटा ये आ गया बेटा, इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 41.61 बेटा आंसर आ गया, बात खत्म। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में रेशियो मेथड लगाते तो 19/100 करते 119/100 करते क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती, इसलिए जहां कहीं भी परसेंटेज और इंटीजर हो वहां पे बेस्ट तरीका यही होता है आंसर निकालने का, अगर केस गुणा का हो तो। अरे क्लियर है या नहीं है, वेरी गुड बेटा आंसर बताओ इसका जल्दी फास्ट, बेटा आप ये देखो ये केस किसका है, भाग का या गुणा का, भाग का, अगर भाग का केस हो तो डायरेक्टली भाग वाला केस निकालेंगे, डायरेक्टली रेशियो लिखेंगे, क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन नेट लगा मत देना, भाग वाले केस में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन नेट लगेगा नहीं, सिर्फ गुणा में लगेगा, ध्यान रखना इस बात को, अरे क्लियर है या नहीं है। तो आइए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीमत मतलब मूल्य का चेंज दे रखा है, कितने परसेंट कम हो रहा बेटा कीमत 20%, बिक्री की निकालनी है, बिक्री माने क्वांटिटी, तो एक बात बताओ क्वांटिटी जो होती है वो होती किसके बराबर है, क्वांटिटी बराबर होता है खर्च बटे मूल्य, अरे यही होता है भाई, तो अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूल्य कितने परसेंट कम हो रहा है बेटा 20%, और खर्चा जो है वो कितने परसेंट, आय जो है वो कितने परसेंट बढ़ रही है बेटा 60%, अरे क्लियर है, तब किसका आंसर निकालना है क्वांटिटी, तो डायरेक्ट रेशियो बताओ डायरेक्ट बेटा बताओ, अगर खर्चा 60% बढ़ रहा है तो 100 में अगर 60 बढ़ेगा तो कितना हो गया 160%, अरे बोलो यार, और ये 20% घट रहा है तो ये कितने हो जाएगा 80%, अरे बोलो क्लियर है, तो 80 से अगर हम काटें तो बेटा ये 2/1 आ गया, अरे 2/1 आ गया रेशियो,
तो अगर एक से अगर ये दो हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है बेटा, एक, और एक कितने में बढ़ रहा है बेटा, एक पर। अगर एक बढ़ रहा है एक पर, अगर एक बढ़ रहा है एक पर और गुणा 100 करें तो आंसर कितने परसेंट आएगा बेटा, 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 100% राइट होगा, बात खत्म। तो भाग वाला केस समझ आया आपको, कैसे खत्म करते हैं? अगर परसेंटेज इंटीजर वाला केस हो और भाग वाला केस हो तो भैया गुणा मत करना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर नेट मत लगाना, डायरेक्टली आंसर होगा, बात खत्म। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? वेरी गुड। अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी फास्ट। चलो मूझवानी बताओ, किसकी वैल्यू निकालनी है? राजस्व की। चलो मूझवानी बताओ, मूझवानी कितने परसेंट? 20% कमी और ये 15% वृद्धि। पहले एक एक करके जोड़ो, प्लस माइनस 20 प्लस 15, माइनस 20 प्लस 15 कितना हो गया? माइनस 5। अरे बोलो यार, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बताओ माइनस का 300 आएगा, और दो का माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 3 कितना हो गया? माइनस का 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस 8। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो क्वेश्चन तो खत्म है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन कर देते हैं। देखो जो आए है बेटा आप बताइए वो किसके बराबर होगी, जल्दी बोलो। दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। बेटा प्राइस कितने परसेंट घट रहा है बेटा? 20%। क्वांटिटी कितने परसेंट बढ़ रही है बेटा? 15%। आपको किसका आंसर निकालना है? आय का। पहले एक एक करके जोड़ेंगे, प्लस 20 माइनस 15 तो माइनस का 5 आएगा, और दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 300 आएगा, लेकिन दो के उत्पन्न लगाएंगे तो माइनस 3 आएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 8%। क्वेश्चन इज ओवर। बोलो क्लियर हुआ? तो ये गुणा का केस था इसलिए लगा दिया था, अगर भाग का केस होता तो ये ना लगाता। आंसर बताइए जल्दी फास्ट। अब देखो किसमें निकालनी है? खपत में। खपत में कमी निकालनी है, खपत में। और खपत क्या होती है बेटा? खर्च बटे मूल्य। यानी ये केस भाग का है या फिर किसका है? भाग का। और एप्रोक्स आंसर बताना है, जल्दी आंसर बताओ बेटा, जल्दी आंसर बताओ, जल्दी फास्ट। भाग का केस है ये, भाग का। और क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2020 का, आंसर बताओ। खपत का आंसर निकालना है तो बताओ खपत किसके बराबर होती है, जल्दी बोलो। हेलो टाइम अप। खपत क्वांटिटी किसके बराबर होती है? खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में लगा रहा है कीमत में 26% की वृद्धि हुई, मूल्य 26% बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ा? 26%। और जो व्यक्ति के केवल 15% खर्च बढ़ा, खर्च जो है वो केवल 15% बढ़ा। अरे बोलो क्लियर है? अरे समझ गए? तो आपको क्वांटिटी का बात निकालनी है तो क्वांटिटी की बात निकालो। देखो भाई खर्चा 15% बढ़ा तो नेट कितना हो गया? 115%। अरे बोलो यार, और 26% मूल्य बढ़ा तो ये कितना हो गया? 126%। अरे बोलो यार, अगर आप गौर से देखें तो ये बताइए परसेंटेज से परसेंटेज हटा सकता हूँ मैं? तो 126 से अगर 115 हो गया तो कम हो गया बढ़ गया? कम हो गया। कितना कम हो गया जल्दी बोलो? अरे जल्दी बोलो, 11। अरे कितना कम हो गया? 11। और 11 की कमी कितने पर हुई बेटा? 126 पर। अरे कितने पर हुई? 126 पर। बोलो क्लियर हुआ? अब मजे की बात बताता हूं, परसेंटेज अब कोई गुणा 100 नहीं करेगा, यही के ही आंसर निकलवाऊंगा, यही के ही आंसर निकलवाऊंगा रेशियो से डायरेक्ट परसेंटेज। देखो कैसे, पहले आप ये बताइए अगर एक संख्या है 596 तो ये अपने आप में कितने परसेंट मानी जाएगी? 100। अरे बोलो, अगर यहां की एक जीरो हटाओगे तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दोगे, तो अगर मैं एक के बाद पॉइंट लगा दूं यानी 58.9 लिख दूं तो ये कितने परसेंट माना जाएगा? 10%। अरे समझे ना ये वाली बात को, बड़ी मजेदार बात है ये। और अगर मैं दो जीरो हटा दूं, दो का पॉइंट लगाऊं तो 1% हो गया। अरे क्लियर है? इसका मतलब मजे की बात सुन लो, अगर कभी कोई संख्या हो तो उसे 100% मान लो, और उसमें अगर एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 58 एक तरह 10% बनेगा, और दो का पॉइंट लगाओगे तो 1% बनेगा। बस ये देखो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, समझ? आप बताओ 126 जो है वो 100% है, इसके रिलेटेड में 11 बनाना है। आप बताओ अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लगा दूं एक के बाद, 126 100% है तो 12.6 एक तरह से 12 10% होगा या नहीं होगा? लेकिन आप बताओ 12 से तो ये एक कम है ना, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्स 9.x के आसपास आएगा। तो बताओ आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? खत्म क्वेश्चन, बेहतरीन तरीका। अरे नहीं आई बात समझ? बुद्धि वाला तरीका बता रहा हूँ, गौर से सुन लेना। 126 के लीटर में 11 बताना था, 126 पूरा 100% मान लिया। अगर 126 100% है तो एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो 10% हो जाएगा वही 100%। तो एक के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ तो 12.6 10% आ रहा है। 12.6 नहीं बताना, मुझे बताना 11। तो 11 तो थोड़ा सा छोटा है ना, तो आंसर 10% से थोड़ा छोटा आएगा ना, तो आंसर 10% से जस्ट छोटा कौन सा है? 9.5। आंसर इज ओवर, यानी कि थोड़ा सा कम करेंगे 9 पॉइंट में आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ये बेहतरीन तरीके होते हैं। इन तरीके से अगर अप्रोच मारनी होती है तो कैलकुलेशन आसानी से आता है, जबकि क्वेश्चन दशमलव में बताना है इस एक स्थान तक, एप्रोक्स आंसर बताना है, मुझे ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि लगाने के बेहतरीन तरीके ये होते हैं, जबकि गुणा 100 करते बहुत टाइम लगा देते आप कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन करनी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे दिमाग का काम करना है। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन और आ गया, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी फास्ट आंसर बताओ, जल्दी फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8.7 आ रहा है, 9.5 हाँ, अरे हाँ ठीक है बेटा, एक गलती हो गई मेरे से, रुको 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 बता देता हूँ, थोड़ी सी एक गलती हो गई इसमें। आप बताओ 10% कितना है बेटा, आप बताइए 10% कितना है, 12.6, ये तो बात समझ में आ रही है। और 1% कितना होगा बेटा ये और बता दो, 1% कितना होगा जल्दी बोलो, तो ये आ जाएगा 1.26। अगर मैं इन दोनों को घटा भी दूं तो कितना आ रहा है बेटा बताओ, 0.4, और ये आ रहा 11, तो 11.4 कितने परसेंट के बराबर आ रहा है बेटा एक तरह से, 9%। अरे क्लियर है, तो 9% 11.4 है, जबकि मुझे बताना कितना था 11, इसका मतलब आंसर 9% से भी छोटा होगा। 9% से छोटा कौन सा होगा बेटा, अरे ये गलती होगी मेरे से, आंसर 9% से छोटा होगा, आंसर क्या राइट होगा बेटा 8.7। ठीक है गलती होगी, माफ करता हूँ, है ना। पर आपको तरीका समझ आया कैलकुलेशन करने का? देखो मैंने चेक कर लिया एक सेकंड में, देखो पूरा 126 कितने परसेंट, 100, 126 100%, तो 12.6 कितने परसेंट, 10। अगर 12.6 10% है तो 1% कितना होगा, 1.2। अगर मैं घटा भी दूं तो 9% किसके बराबर है, 11.4, आंसर बताना है 11 का, तो 11 तो इससे भी छोटा होगा 11.4 से, तो आंसर होगा 9% से छोटा, 9% से छोटा आंसर है 8.7। आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट आंसर बता दो। चेक कर लिया बेटा मैंने, 8.7 ही है, चेक कर लिया मैंने, बता भी दिया वो मैंने अप्रोक्स, जल्दी जल्दी मैं आंसर 10% छोटा टिक मारा था, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया भी है पूरा। आंसर बताइए इसका, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन किसका निकालना है बेटा आप बताइए, मात्रा में कितने परसेंट की कमी हुई, यानी खपत का आंसर पूछ रहा है, खपत क्या होगा डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो डायरेक्ट आप बताइए क्वांटिटी किसके बराबर होती है, खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य। तो चलिए भाई ये भी अप्रोक्स आंसर बताना है, तो वैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसका मतलब, तो बताओ मूल्य में कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई बेटा, 19% की, और खर्च में कितने परसेंट बेटा बताओ, खर्च में कितने परसेंट, 12% की वृद्धि हुई। बोलो क्लियर हुआ, तो बताओ क्वांटिटी का रेशियो क्या बनेगा, 12% बढ़ के ये 112 बनेगा, और बेटा ये कितना बनेगा 119, तो 119 से अगर 112 हो रहा है बेटा बताओ कितना घट रहा है, कितना कम हो रहा है 7, तो बताओ 7 घट रहा है कितने पर बेटा, 119 पर। अब आपको परसेंटेज बतानी है, हेलो यहाँ जाओ, अप्रोक्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे फिर दोबारा बताओ, 119 पूरा पूरा एक तरह से 100%, अरे क्लियर है, तो आप बताइए एक के बाद पॉइंट लगा दो तो 11.9 कितने परसेंट हो गया एक तरह से 10%। बोलो क्लियर हुआ, अरे बोलो क्लियर है, और एक इसके बाद एक और लगा दो तो एक तरह से अप्रोक्स वन एक तरह से 1% है। बोलो क्लियर हुआ, आपको बनाना कितना है बेटा 7, तो 11 में से अप्रोक्स कितना घटाना पड़ेगा 4, अरे 4 घटाना पड़ेगा, अगर 4 घटाना पड़ेगा तो 4% घटाना पड़ेगा, तो अप्रोक्स आप अगर घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7.9, अरे अप्रोक्स ये आएगा, और यही किसके बराबर होगा बेटा घटा के 6, तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा वो बेटा वो किसके बराबर आएगा 6%। अप्रोक्स आंसर पूछा गया, तो आंसर कितना राइट होगा 6, अरे क्लियर हुआ, बेहतरीन तरीका। तो देखो कैलकुलेशन करने के तरीके समझ आ गए, अरे समझ में आया बात, बुद्धि अगर ये लगाओगे तो आसान है, अगर बुद्धि इसके अलावा और लगाओगे तो आसान नहीं है। बोलो क्लियर हुआ, दिस इज द कैलकुलेशन, बात खत्म। तो आज की क्लास शायद आपको समझ में आई होगी सबको, गुणा भी समझ में आ गया, भाग भी समझा दिया, सारी चीज समझा दी, कांस्टेंट वाले केस समझा दिए, तो शायद मैंने मेरे हिसाब से देखो गुणा खत्म, भाग खत्म, कांस्टेंट खत्म। अब इसके बाद कल बात करेंगे, और कल बात करेंगे किसकी, देखो बेटा आज की क्लास कहाँ खत्म करके जा रहा हूँ सुन लीजिए, हेलो सभी के सभी सुन लो, मैंने क्या कहा ए सी ए और बी, ये तीन संख्याएं हैं, तो इन केस के अंदर दो वाले केस आएंगे, या तो दो संख्याएं गुणा हो और वो सी के बराबर हो। अब यहाँ पे दो केस आए थे, एक कांस्टेंट हो और एक चेंज हो रहा हो, और एक का पूछ केस मैंने खत्म करा चुका, और दूसरा वाला केस अभी करवाया है गुणा और भाग वाला, जिसमें दो नंबर चेंज कर रहे थे और उनके कारण एक नंबर में चेंज निकालना था, ये दे रखा था गिवन और ये निकालना था। बोलो ये केस ओवर, ये केस ओवर।
अब आपको गुणा वाला केस तो खत्म, गुणा भाग वाला केस खत्म, अब क्या आएगा, दो नंबर को जोड़ना, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो कल की क्लास जो होगी, कल की जो पूरी क्लास होगी वो इस बात पे होगी कि C बराबर ए प्लस बी है। अब गुणा और भाग हो गया खत्म, अब कल स्टार्ट करेंगे एडिशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? एडिशन। अगर नंबर को जोड़ने वाली बात आ जाए और तब चेंज निकालना हो तो तब चेंज कैसे निकाला जाएगा इसकी बात करेंगे कल। आज हम, आज तक हमने क्या खत्म कर दिया? गुणा और भाग पूरी तरह से। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए बेटा, ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।